आप सर्व करते हुए थोड़ा सा बटर ऐड करें तो दाल मखनी बिल्कुल रेडी है। कंसिस्टेंसी यही रखनी है, अगर आप ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो दाल रखने पर बिल्कुल जम जाएगी। तो अभी ये काफ़ी गर्म है इसलिए दाल की कंसिस्टेंसी यही रखनी है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में दाल मखनी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1.25 कप ये साबुत उड़द की दाल ले रही हूँ। ये देसी दाल है, छोटे दाने हैं इसके, जो थोड़ी बड़ी होती है वो देसी नहीं होती है, तो ये देसी दाल लेनी है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और टेक्सचर भी वही मिलेगा, और इस दाल को जितना आप भिगो करके बनाएंगे उतनी अच्छी बनेगी। और इसी के साथ 1/2 कप जितने राजमा लिए हैं मैंने, चित्रा राजमा है, आप लाल राजमा भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल स्मूथ और बढ़िया सी दाल के लिए यहाँ पर मैं चने की दाल का यूज कर रही हूँ, जो कि मैं यहाँ पर 1/4 कप ले रही हूँ। सबसे कम अमाउंट में है, ये दाल को गाढ़ा भी बनाएगी और एक टेक्सचर देगी जो कि बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, जिससे दाल जो है तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इनको वॉश करके लगभग 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देंगे। तो यहाँ पर दालों को मैंने अच्छे तरीके से धो करके पानी में भिगो लिया है और अब हम इसको 4-5 घंटे के लिए इसी तरह से भीगा रहने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दाल राजमा सब कुछ अच्छे तरीके से भीग चुका है, तो इसका जो पानी है ये निकाल देंगे और इसको विसल लगाने के लिए रख देंगे। तो मैंने इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और यहाँ पर लिया है मैंने एक प्रेशर कुकर, इसमें डाल देंगी ये दाल और राजमा। तो ये जो दाल है इसको बॉयल होने में टाइम लगता है और पानी की क्वांटिटी भी इसलिए ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पर पहले 1 लीटर पानी डाल रही हूँ और 1/2 लीटर पानी और ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, यानी कि टोटल हमने 6 कप पानी ऐड किया है। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, बाकी का नमक जो है वो तड़के में ऐड कर देंगे। इसी में हम 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च डाल देंगे, इससे दाल में कलर बहुत अच्छा आता है। हम यहाँ पर हल्दी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ देगी मिर्च डाली है मैंने और नमक डाल दिया है। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पर खड़े मसाले, 1 इंच के दालचीनी के टुकड़े, 1 साबुत इलायची जिसको मैंने क्रश कर लिया है, बेलन से हल्का सा कूट दिया है, छोटा सा जावित्री का टुकड़ा और 2 तेज पत्ते, 2 से 3 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च। इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खड़े मसालों का, तो जरूर ऐड करें। अब हम इनको विसल लगा लेंगे हाई फ्लेम पर। 2 विसल लगाने के बाद मैं गैस का फ्लेम लो कर दूंगी और 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने दूंगी, या फिर आप इसको 6 से 7 विसल लगा सकते हैं मीडियम फ्लेम पर, तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में विसल्स आ चुकी हैं और कुकर ठंडा हो चुका है, तो मैं इसको खोल लूंगी। स्टीम थी उसे रिलीज नहीं किया, तो ये देखिए देखिए दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। हम इसको एक बार चेक कर लेंगे, बाहर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ये देखिए दाल बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और राजमा भी बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो दाल बिल्कुल रेडी है, हम इसमें से ये तेज पत्ते निकाल देंगे क्योंकि खड़े मसालों का पूरा फ्लेवर आ चुका है दाल में। दालचीनी का टुकड़ा, जो जो हमने खड़े मसाले ऐड किए थे जो आपको दिख जाए इजीली वो निकाल दें, जैसे कि तेज पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं तो इनको आप निकाल सकते हैं, दालचीनी का टुकड़ा निकाल सकते हैं, अगर कोई लौंग वगैरह दिखे तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। इसको हम साइड पर रख देंगे। तो अब हम बनाएंगे तड़का दाल के लिए। तो तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और बहुत ही थोड़ा सा बटर, क्योंकि बटर में जब भी आप मसाला भूनते हैं तो टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आता है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। हम इसमें कोई खड़े मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं स्टेज पर, क्योंकि हम दाल को कुक करते हुए इसमें ऑलरेडी खड़े मसाले डाले थे, इसलिए मैं इसमें कोई भी खड़ा मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। तो जैसे ही ऑयल और बटर गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे 2 प्याज बारीक चॉप हुए और प्याज को बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। देखिए प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट भी है यहाँ पर। मैंने 5 हरी मिर्च और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा अच्छे से पीस लिया था। इसी स्टेज पर ऐड करना है, प्याज से पहले ऐड ना करें, अदरवाइज ये काफ़ी जल्दी जल जाता है और जो प्याज है वो भूनने में समय लेता है तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। प्याज भूनने के बाद अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये स्लो हीट पर भुनेगा, जिसके कारण कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
अदरक और लहसुन का पेस्ट भी भुन चुका है, आप इसका कलर देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, ताकि मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से भुन जाएं। तो मसालों में हम ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच देगी मिर्च का पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच यानी कि एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, इसी के साथ एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ड्राई होती है इसलिए आपको फूली फूली लग रही होगी। और यहाँ पर है नमक आधा छोटा चम्मच इतना, क्योंकि हमने पहले भी नमक ऐड किया है, तो इस स्टेज पर हम इसमें ये सभी मसाले डाल देंगे। इस स्टेज पर मसाले ऐड करने से मसाले अच्छे तरीके से भुन जाते हैं और टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। मसाले डालने के बाद इसको एक मिनट के लिए भून लेंगे। मैं यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा तीखे वाला लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो दाल है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इससे। तो देखिए मसाला भुन गया है लगभग। अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर चार टमाटर लेकर के मैंने पीस लिए थे अच्छे से। आप चाहें तो रेडीमेड टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो हम इसको भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे तरीके से साइड से ऑयल ना छोड़ दें और टमाटर पूरी तरीके से भून ना जाए। तब तक इसको भूनने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मसाले का कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है। तो इसको भूनने देंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ऑयल इसने छोड़ दिया है मसाले में। तो बिल्कुल भून करके रेडी है और कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। तो अब हम इसमें दाल डाल देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दाल का कलर अभी से कितना बढ़िया दिख रहा है। और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे लगभग 10 से 12 मिनट इस मसाले के साथ, ताकि इसमें सभी फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से रम जाएं। तो मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम ऐड कर दूंगी, 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, बट ये जो क्रीम है ये दाल को बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर और टेस्ट दोनों देगी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा फिर। तो इसको हम पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर लगभग 15 मिनट के लिए। हम इसे ढक कर के पकाएंगे, तो हम इसको ढक देंगे और ढक कर के बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। तो यहाँ पर दाल को कुक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे बीच में 1 से 2 बार हिलाया था। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है और आप यहाँ पर दाल का टेक्सचर भी देख पा रहे होंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, इससे खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अब सर्व करते हुए थोड़ा सा बटर ऐड करें। तो दाल मखनी बिल्कुल रेडी है, कंसिस्टेंसी यही रखनी है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो दाल रखने पर बिल्कुल जम जाएगी। तो अभी ये काफ़ी गर्म है इसलिए दाल की कंसिस्टेंसी यही रखनी है। इसको हम सर्व कर लेंगे।